महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज होती नजर आ रही है। गुवाहाटी में जहां एकनाथ शिंदे ने 50 विधायकों के समर्थन के साथ एक बार फिर से शिवसेना पर दावा ठोक दिया है, वहीं शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों से लौट आने और बैठकर हर गिले शिकवे पर बातचीत करने की अपील की है। इससे पहले गुवाहाटी के होटल में मौजूद शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को मीडिया के सामने आए। वहां उन्होंने कहा, हम शिवसेना में ही हैं, हम हिंदुत्व का मुद्दा आगे लेके जा रहे हैं। शिंदे ने जल्द मुंबई आने की बात भी कही। उन्होंने एक बार फिर शिवसेना पर दावा ठोका और कहा कि उनके साथ 50 विधायक हैं। इधर भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मंगलवार को करीब 2 बजे चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि वे सरकार बनाने की संभावना पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। चर्चा यह भी है कि शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे भी आज ही दिल्ली जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट और भाजपा के बीच सरकार बनाने पर मंथन भी चल रहा है। भाजपा ने शिंदे गुट को 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्रियों का ऑफर दिया है। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के लिए एकनाथ शिंदे का नाम रखा गया है। गुलाबराव पाटिल, शंभूराज देसाई, संजय शेरशाह, दीपक केसरकर, उदय सामंत को मंत्री बनाया जा सकता है। डीआरवी न्यूज ब्यूरो मुंबई।